सो हेलो एंड वेलकम है एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का कवर अप कराने वाली हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। एंड आज हम कुछ वैसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। सो ये 2-in-1 वीडियो है। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है हमारा, इफ 10 years बैक अजय वाज हाफ ऑफ उमाज एज। उमा एक लड़की का नाम है और अजय एक लड़के का नाम है, ठीक है। अजय वाज हाफ ऑफ उमाज एज, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। उनका जो एज है प्रेजेंट एजेस वो है 3:4। अभी हमको यहाँ पे उनका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मे द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड उमा बी 3x एंड 4x। कैसे हुआ? 3 यहाँ का आया और यहाँ पे 4 आया, तो मतलब जो रेशियो है उसको हम लोग 3x माने हैं एंड 4x माने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 10 years बैक अजय वाज हाफ ऑफ उमाज एज। तो 10 years अगो अजय वाज हाफ ऑफ उमाज एज, ये बात हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अब हम लिखेंगे 3x, यहाँ पे जो 3x है वो यहाँ पे आ जाएगा, -10 हम लोग करेंगे, -10 कैसे करेंगे, तो ये जो 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, 1/2 करेंगे, हाफ़ करना है हमको, तो हाफ़ करेंगे, 4x यहाँ से आ गया, -10 यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2s कितना होता है, 6 होता है ना, 3 2s कितना होता है, 6 होता है, 10 2s कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 4x-10 हम लिख सकते हैं क्या? ये जो है ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो 4 1s 4 and 10 1s 10 क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 6x जो है उसको हम लोग 4x इससे घटाना है। ये आप देख भी सकते हो, मैंने ऐसे ड्रॉ किया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे है 4x, उसको अब हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। तो 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, 20 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 आएगा। अब हम लोग x का ये वाला जो है उसको साइड में लिख देंगे और उसके बाद 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो 2 5s 10 होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अब हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग करेंट एजेस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। सो हम लोग यहाँ पर ये जो 3 है हम लोग का यहाँ पे हम लिख देंगे और प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हम लिखेंगे और 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 में से अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 4 + 3 कितना, 7। 7x यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 5 है भैया हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 5s कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है, 7 5 35। तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा ही पूछा जाता है, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो। तो इसमें पूछा जा रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम 2, 7, 14, 23, x, 47। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बहुत लोगों को अटकते हुए देखा है और उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मुझे कैसे आएगा कैसे आएगा। बड़ा ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर है वो इधर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंस प्रोवाइडेड कंटेंस +5 +7 +9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर था 2, 7, 14, 23, x और 47, यही नंबर था ना। तो 2 को अगर हम लोग प्लस करेंगे 5 के साथ तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को 7 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 को अगर हम जोड़ेंगे 11 से तो कितना आएगा, x आएगा। x को जोड़ेंगे 13 से तो कितना आएगा, 47। मतलब कि यहाँ पे क्या अगर हम 23 को जोड़ेंगे 11 के साथ तो 34 आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मतलब कि यहाँ पे 23 के बाद, यहाँ पे जो 23 के बाद जो जगह खाली है उसमें हमारा आ जाएगा कितना नंबर, तो 34 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? अगला प्रश्न देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 5 women और 8 girls कैन डू वर्क इन 84 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 10 women and 5 girls कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। यानी कि एक अगर 5 औरत और 8 लड़की मिल करके किसी भी काम को 84 days में कंप्लीट कर पाती हैं तो 10 औरत और 5 लड़की वो काम को करने में कितना देर लगाएंगी, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 women और 5 women इज़ इक्वल्स टू 8 girls, है ना।
5 women is equals to 8 girls to complete a work. Then 10 women is equals to 16 girls. 10 women plus 5 is equals to 16 plus 5. यहाँ पे जो है वही हमने लिखा है. उसके बाद 8 girls can do a work in 84. तो 84 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. उसके बाद डिवाइड करेंगे 12 से. तुम्हारा आंसर आ जाएगा 32. तो उस काम को करने में 32 दिन लगाएंगी. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जो कि आपसे मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. और भी सारे क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम.